प्री मानसून सीजन और साल 2024 के पहले चक्रवाती तूफान को लेकर बंगाल की खाड़ी में परिस्थितियां काफ़ी ज़्यादा अनुकूल बन रही है। संभावना यह है कि बंगाल की खाड़ी में जल्द एक भीषण चक्रवाती तूफान बन सकता है जो आगे बढ़ता हुआ भारत की ओर आएगा और भारत के कई राज्यों को प्रभावित करेगा। तो चलिए जानते हैं कि कब तक चक्रवाती तूफान के बनने की संभावना है, अगर चक्रवात बनता है तो भारत के किन राज्यों को प्रभावित करेगा। तो चक्रवाती तूफान ऐसे ही नहीं बनते। आपको बता दूं कि चक्रवाती तूफान के बनने को लेकर चाहे वो बंगाल की खाड़ी हो या अरब सागर, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब चक्रवात बनता है जिसमें प्रमुख तौर पर महत्वपूर्ण होता है तापमान। तापमान अगर 28 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है समुद्र का तो चक्रवात के बनने को लेकर परिस्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा अनुकूल रहती है। इसके अलावा वायुमंडलीय परिस्थितियां भी निर्भर करती है कि चक्रवात की दिशा क्या होगी, चक्रवात में किस तरह की हवाएं चल सकती है, तो बहुत कुछ मैटर करता है विंड स्पीड पर भी। तो इस समय चक्रवात ऐसे ही नहीं बनते, चक्रवात को लेकर कुछ परिस्थितियां होती है। फिलहाल हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवाती तूफान को लेकर। आपको बता दूं कि अब बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात बनेगा उसको लेकर परिस्थितियां काफ़ी ज़्यादा अनुकूल है और अब संभावनाएं भी काफ़ी ज़्यादा प्रबल तौर पर हम देखें तो नज़र आ रही है कि चक्रवात बनेगा। तो अब आप तैयार रहिए क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जल्द उठने वाला है साल 2024 का पहला चक्रवाती तूफान और प्री मानसून सीजन का भी पहला चक्रवाती होने जा रहा है। की खाड़ी के दक्षिणी मध्य भागों पर हमें एक निम्न दबाव का क्षेत्र 16 मई के आसपास बनता हुआ नजर आ रहा है। आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं किस तरह से कि 16 मई के आसपास एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा। हालांकि आगे बढ़ता हुआ 17 मई के आसपास आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम जो है वेलमार लो प्रेशर एरिया यानी कि थोड़ा और ताकतवर होता हुआ आगे बढ़ता हुआ हमें नज़र आ सकता है। इसके पीछे का कारण आप देख सकते हैं कि लगातार हिंद महासागर क्षेत्र से काफ़ी ज़्यादा नमी की हवाएँ चलेगी। इसके अलावा तापमान भी बढ़ रहा है जिसके चलते चक्रवात को लेकर जो है और भी ताकत मिलेगी और परिस्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा अनुकूल होती हुई हमें नज़र आएगी। तो आप देख सकते हैं आसपास की हवाएं और इसके अगर ट्रैक की बात की जाए तो लगातार मैं आपको बता ही रहा हूं कि किस तरह से आप देखिए कि पहले ये लगातार पूर्वी दिशा में आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है यानी उत्तर पूर्व की ओर, लेकिन संभावना ये है कि ये भारत की ओर आएगा, आंध्र प्रदेश ओडिशा की ओर आने की इसकी संभावनाएँ जो है वो हमें नज़र आ रही है। हालाँकि अभी और भी बदलाव हो सकते हैं, अभी मैं सिर्फ आपको पूर्वानुमान के तौर पर कह सकता हूँ कि हाँ ऐसा रह सकता है सिस्टम का ट्रैक, लेकिन सिस्टम के बनने के बाद लगभग 3 दिन बाद सटीक पूर्वानुमान आ जाएगा हमारे पास कि क्या कुछ संभावना रहेगी चक्रवात के आगे बढ़ने को लेकर। फिलहाल अगर हम मॉडल की बात करें और मॉडल ट्रैक के अकॉर्डिंग चले तो संभावना यही है कि सिस्टम आगे बढ़ता हुआ पहले तो उत्तर में बढ़ेगा, फिर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा और लगातार उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए सिस्टम जो है वो 18 मई के आसपास मध्य बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाएगा। और संभावना ये है कि ये एक डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी में रहेगा उस समय, यानी कि डिप्रेशन बन जाएगा तो अब चक्रवात को लेकर संभावनाएं जो है वो और भी प्रबल होगी। और आप 19 मई की ये तस्वीर देख सकते हैं स्क्रीन के सामने कि किस तरह से सिस्टम जो है वो लगातार उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता हुआ अब पश्चिम की ओर लगातार बढ़ रहा है और लगभग संभावना ये है कि आंध्र प्रदेश ओडिशा के तटों से ये काफ़ी नज़दीक आ जाएगा 19 मई के आसपास, ऐसी संभावना में नज़र आ रही है। इसके अलावा 20 मई के आसपास अगर हम शाम की बात करें, 19 मई शाम की बात करें, तो ये सिस्टम और इंटेंसीफाई होगा और जैसे ही समुद्र के इलाकों के पास पहुंचेगा, भारत के तटीय इलाकों के आसपास पहुंचेगा, तो ये ताकतवर होगा। और संभावना ये है कि लगातार इंटेंसीफाई होता हुआ सिस्टम जो है वो 20 और 21 मई के आसपास भारत के पूर्वी राज्यों पर टकरा सकता है, यानी कि आंध्र प्रदेश से ओडिशा के बीच में कहीं पर भी लैंडफॉल कर सकता है। हालांकि अभी मैं आपको ये स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकता है, अभी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD की तरफ से कोई भी मॉडल जारी नहीं किया गया है, तो इसे भी अभी कुछ भी नहीं कह सकता। हालांकि GFS के मॉडल लगातार दिखा रहे हैं कि सिस्टम जो है वो बंगाल की खाड़ी में बनेगा और लगातार आगे बढ़ता हुआ उत्तर पश्चिम दिशा में ओडिशा आंध्र प्रदेश की ओर आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा आप ये तस्वीर देख सकते हैं, 21 मई की तस्वीर आपकी स्क्रीन के सामने है कि किस तरह से जो सिस्टम है वो आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों के आसपास काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहेगा और आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम और भुवनेश्वर के आसपास के इलाकों में ओडिशा के यहाँ पर जो है बारिश देता हुआ आपको नज़र आएगा। हालांकि संभावनाएं जो नज़र आ रही है हवाओं के अकॉर्डिंग रहेगा क्योंकि जिस तरह से हवाएं जो है हिंद महासागर क्षेत्र से काफ़ी ज़्यादा चल रही है और इधर पूर्वी राज्यों से भी हवाएं आ रही है, तो संभावना ये है कि सिस्टम जो है आंध्र प्रदेश ओडिशा के बीच में कहीं पर भी लैंडफॉल कर सकता है। आगे चक्रवाती तूफान के बनने या ना बनने को लेकर भी मैं अपडेट दूंगा, साथ ही साथ चक्रवात अगर बनता है तो ये क्या इसी दिशा में आगे बढ़ेगा इसको लेकर भी मैं आपको जानकारी अगले वीडियो में साझा करने की कोशिश करूँगा। तो आपसे एक निवेदन रहेगा कि आप चैनल पर लगातार बने रहें, चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।
तो आगे जानते हैं कि क्या कुछ दिखा रहे हैं विंडी के मॉडल, क्या कुछ इंडिकेशन है साइक्लोन के बनने को। मई का महीना चल रहा है और देश के कई राज्यों में प्रचंड गर्मी का प्रकोप है। इसी बीच बंगाल की खाड़ी अरब सागर में समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, जिसके चलते समुद्र में हलचल काफ़ी ज़्यादा तेज हो रही है। संभावना यह है कि समुद्र की हलचल का प्रभाव जो है वो आगामी समय में चक्रवात के तौर पर हमें नजर आ सकता है। विंडी के मॉडल को अगर हम देखें तो 14 मई के आसपास यहाँ पर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और ये काफ़ी सटीक अनुमान हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टम डेवलपमेंट हो रहा है, यही सिस्टम आगे बढ़ता हुआ इसी दिशा में यहाँ पर एक साइक्लोनिक स्टॉर्म का जो रूप है वो ले सकता है, यानी कि एक चक्रवात बन सकता है और यही चक्रवात आगे बढ़ता हुआ भारत की ओर भी आ सकता है। तो यहाँ पर जो सिस्टम बन रहा है ये कहीं ना कहीं समुद्री तापमान के ऊपर मैटर करता है, साथ ही साथ वायुमंडलीय परिस्थितियाँ और क्या कुछ हवा की डायरेक्शन रहेगी उसके हिसाब से चक्रवात का दिशा निर्धारित होता है। तो चक्रवाती तूफान को लेकर संभावनाएं जो है वो अब लगातार बढ़ रही है। ऐसे में जल्द भारत के ऊपर चक्रवात देखने को मिल सकता है, यानी कि साल 2024 में जिस तरह से चक्रवात का इंतज़ार लगातार बना हुआ है तो ये इंतज़ार अब खत्म हो सकता है और जल्द चक्रवात बनने की संभावना में नज़र आ सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे जो भी चक्रवात को लेकर अपडेट होगा मैं आपको समय पर देता रहूँगा। धन्यवाद।